नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। पंजे का पराक्रम, मुद्दों पर महाभारत, यहां उत्तराखंड प्राइम में बात होगी। सबसे पहले इसी मुद्दे की। विधानसभा चुनाव में 11 के आंकड़े पर लुढ़की कांग्रेस ने सोमवार को सियासी गलियारों को एक बार फिर गर्मा दिया। सोमवार रहा सुपर सियासी सोमवार। एक बार फिर कांग्रेस अपने रंग में दिखी। तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेसी तेवरों में नजर आए। एक एक मुद्दों को गिनवा कर बीजेपी की डबल इंजन सरकार और मोदी सरकार पर खूब सितम ढाए। आप कह सकते हैं कि सितंबर में कांग्रेस ने जो संग्राम छेड़ा है, यकीनन आने वाले दिनों में खूब हंगामा होने वाला है। मगर सवाल ये कि कांग्रेस की ओर से प्रहार के लिए सोमवार का जो दिन चुना गया, क्या वो सही दिन था? यह हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से करेंगे चर्चा। साथ ही दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है भाजपा के घर से। जी हाँ, कुछ घंटों बाद अमित शाह देवभूमि की जमीन पर उतरने वाले हैं। कुछ ही घंटों बाद भाजपाइयों का सपना पूरा होने वाला है। इसलिए आज के प्राइम में हम शाह के आने से कुछ घंटे पहले की तैयारियों की तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। यकीन मानिए, बेहद दिलचस्प मुद्दा है। इंतजार कीजिए दूसरे मुद्दे का। इस मुद्दे पर भी हम करेंगे विस्तार से चर्चा, मगर सबसे पहले बात सबसे पहले मुद्दे की। सबसे पहले आपको हम अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि क्या स्थिति इस समय बन रही है, किस तरीके से कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है, खासतौर से महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा गया है। लेकिन सोमवार ही क्यों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, उसके बाद होंगे सवाल जवाब। आज पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालयों में जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बने हुए 3.5 साल का कार्यकाल हो गया है और 3.5 साल के कार्यकाल में आज महंगाई अपने चरम पर है। चाहे हम पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें, चाहे हम गैस की बात करें, चाहे हम खाद्यान्न की बात करें, आज महंगाई चरम पर है। बेतहाशा महंगाई, रसोई की सब्सिडी खत्म करने समेत पेट्रोल के दामों में उछाल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा तो सूबे की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं और जो आम आदमी है उसके लिए जो है महंगाई जो है कहीं ना कहीं बहुत मुसीबत खड़ी कर रही है। त्रिवेंद्र सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पूरे होने के बाद कांग्रेस अपने रंग में दिखाई दी। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया और दोनों सरकारों को किसान और गरीब विरोधी बताया। लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो केंद्र सरकार है उत्तराखंड में, जो भाजपा की सरकार है जिसको 6 महीने पूरे होने वाले हैं, पूरी तरीके से जो है नाकाम साबित हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने चुनाव के टाइम पे जो है वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन के जरिए राज्य की डबल इंजन सरकार और दिल्ली में विराजमान मोदी सरकार पर आरोपों के गोले नहीं बल्कि आरोपों की तोप का मोही सत्ता पक्ष की ओर मोड़ ये जता दिया कि विपक्ष चुप्पी की चादर ओढ़ने वाला नहीं है। और देश की जनता त्रस्त होने के कारण आज कांग्रेस के लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ यहां पर धरने का आयोजन किया और आप देख लीजिए राज्य की सरकार जिस तरीके से लगातार जन विरोधी कार्य कर रही है, उन जन विरोधी कार्यों के विरोध में भी हमने इस धरने का आयोजन किया है। ये सब चीजें आपके सामने। राज्य की राजधानी देहरादून में कांग्रेस संगठन सरदार प्रीतम सिंह की अगुवाई में संगठन सिपाहियों ने त्रिवेंद्र सरकार की घेराबंदी करते हुए मुद्दा रूपी आरोपों का हथौड़ा सरकार के सीने पर दे मारा तो सियासी महाभारत छिड़ने में देर नहीं लगी। राजधानी दून में हाथ के हाकमियों ने सियासी हमला किया तो देखते ही देखते
प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में पंजाधारियों ने प्रदर्शन के जरिए आरोपों की मिसाइल सरकार की ओर दागने में सितंबर में संग्राम छिड़ गया। कांग्रेसियों ने राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में भाजपा सरकार पर जनता के भरोसे को छलने का आरोप लगाया। केंद्र की मोदी और राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर बिफरते हुए कांग्रेस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $50 पर बैरल हैं, जबकि देश की जनता को 80 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मुहैया करवाया जा रहा है। कांग्रेस राज का हवाला देते हुए कहा गया, तब कच्चा तेल $150 प्रति बैरल मिल रहा था, लेकिन देश की जनता को 55 से 60 रुपए तेल दिया गया। वहीं आज घरेलू गैस सिलेंडर 700 रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस सरकार में 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था। पंजाधारियों ने प्रहार करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार वायदे भूल चुकी है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं, आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्रदेश के अंदर किसानों के ऋण माफी की हम बात करते हैं, आज सरकार उससे पीछे हटने का काम कर रही है। आज प्रदेश की आवकारी जो नीति है वो आवकारी नीति मैं समझता हूँ इस उत्तराखंड के लोगों के जो है हितों के विरुद्ध आवकारी नीति बनाने का काम राज्य सरकार ने किया और पूरे प्रदेश के अंदर आवकारी के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं, संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए प्रदेश की कानून व्यवस्था, इस सरकार ने कहा था कि हम भय मुक्त सरकार देने का काम करेंगे। कांग्रेस सिपाहियों की हिटलिस्ट में निकायों की सीमा विस्तार का मुद्दा भी शामिल रहा, लिहाजा संगठन सिपाहियों ने निकायों के सीमा विस्तार के मुद्दे को भी हथियार बनाते हुए उसे सियासी फिजाओं में लहराया तो राज्य की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान आन खड़ा हुआ। निकायों के सीमा विस्तार और उद्यान एवं कृषि विभाग के एकीकरण का भी विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी को उत्तराखंड सरकार जो है नगर निगम बनाने जा रही है, इसका भी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि उत्तरकाशी को नगर निगम न बनाया जाए। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च के जरिए सितंबर में महाभारत ही छेड़ दी। ऐसा नहीं है कि कभी विपक्ष के पाले में विराजमान कांग्रेस ने इन मुद्दों के जरिए सरकार की घेराबंदी ना की हो, मगर सोमवार को जिस तरह से पंजाधारियों ने त्रिवेंद्र सरकार की घेराबंदी की उससे एक बात तो साफ हो गई कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इन मुद्दों को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। अगले दो दिन बीजेपी के बिग बॉस और चतुर चाणक्य अमित शाह उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं, लिहाजा शायद मौके की नजाकत को भांपते हुए कांग्रेस ने इन मुद्दों को सियासी फिजाओं में उछाल दिया। खैर, जिस पाले में विपक्ष बैठा हुआ है वहां पर चुप भी नहीं रहा जा सकता, इसलिए हंगामा करना ये विपक्ष की मजबूरी भी हो सकती है। खैर, ये कांग्रेस के घर की बात है वही जाने, मगर सवाल ये कि सोमवार को सियासी सोमवार बनाने वाली कांग्रेस जो आज मुद्दे रूपी हथियार सियासी फिजाओं में लहरा रही है, क्या कभी उसके राज में इन मुद्दों पर वो कुछ फैसला कर पाई थी? शायद नहीं, मगर ये सियासत की ही रीत रही है कि जब जैसी हो जरूरत बदल दो नीति, वही कहलाती है राजनीति। शायद आज कांग्रेस को इसी राजनीति की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आज एक विशाल रैली और प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं था और एक ज्ञापन जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के माध्यम से एक राष्ट्रपति को भी सौंपा है। हेमकांत नौटियाल, जैन टीवी, उत्तरकाशी। चलिए, इस विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस की नेत्री गरिमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गरिमा जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी, धन्यवाद विपुल जी। नमस्कार गरिमा जी, आपसे सवाल जो आप करें मैं चाहता हूं, उससे पहले मुख्यमंत्री
ने क्या कुछ कहा आपकी पार्टी की तरफ से, आज जो प्रदेश भर में हल्ला बोल किया गया वो जरा आप सुन लीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो उनको बाजार में जाना चाहिए और उस समय की भी कीमतें देखनी चाहिए जब उनकी सरकारें थी और आज की भी कीमतें बाजार में जाकर देखना चाहिए। असल में सभी बड़े लोग हो गए, अब इनके नौकर काम करते हैं, स्वयं नहीं कर पाते। चले गर्मा जी मौजूद है, उनसे सवाल करें। उससे पहले जरा तमाम सारे सवाल अपने दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर लेके आते हैं। सवाल नंबर एक, कि कांग्रेस के हल्ला बोल की टाइमिंग को वाकई में सियासी सच है क्या? सवाल नंबर दो ये कि क्या यह अच्छा नहीं होता कि जब अमित शाह यहां पहुंचते उसके बाद यह आक्रमण करते तो शायद उसका असर कुछ ज्यादा होता? सवाल नंबर दो ये है। सवाल नंबर तीन, कांग्रेस के तमाम आरोपों पर डबल इंजन सरकार पर आखिर में जवाब क्यों नहीं दिया गया, चुप क्यों है सरकार? सवाल नंबर चार ये कि खिसक चुकी सियासी जमीन को बचाने की ये जद्दोजहद तो नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? और आखिरी सवाल ये, कहीं आरोप लगाने के लिए तो ये तमाम आरोप लगाए नहीं जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम गर्मा जी से लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गर्मा जी, पहला सवाल ये कि अमित शाह पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि अमित शाह के पहुँचने के बाद अगर महंगाई से लेकर इन तमाम मुद्दों को अगर आप लोग हल्ला बोलते तो शायद उत्तराखंड की समस्याओं की गूंज काफी दूर तक पहुंचती? देखिए, मैं कहूंगी विपुल जी कि ये हमारा कोई शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, इसलिए ऐसा है क्योंकि जब आपने देखा कि भाजपा सत्ता पर काबिज हुई और उसने सरकार बनाई 18 मार्च को, तो उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने सभी मंचों से ये कह दिया था कि हम इस सरकार को 6 महीने का हनीमून पीरियड दे रहे हैं, 6 महीने तक ये अपने आप को साबित करे और 6 महीने बाद कांग्रेस पार्टी इसकी समीक्षा करेगी कि इनका प्रदेश में जनहित के इन्होंने कैसे कार्य किए, कितने कार्य किए और इनका रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस पार्टी 6 महीने बाद देगी और सड़कों पर उतरेगी अगर इन्होंने जनता की आवाज नहीं सुनी तो आज एग्जैक्टली उनको 6 महीने पूरे होते हैं और हमने ये वादा जनता से पहले ही किया था कि हम 6 महीने के बाद जनता की आवाज को मुखर रूप से उठाएंगे, तो हमने अपना वादा पूरा किया। आज 6 महीने पूरे हुए हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए चाहे जाएं, उत्तराखंड को ना पहले अमित शाह जी के आने का फायदा मिला है ना अब मिलेगा, इसलिए हम बिल्कुल निराश हो चुके हैं इस सरकार से भी और हमें कोई आशा नहीं है अमित शाह जी के इस प्रोग्राम से और हमें ना कोई लेना देना उनके प्रोग्राम से। हमने अपना वादा पूरा किया है जनता से और हमारा एक पूरा धरना था, उसमें आपने देखा कि जितने बिंदु हैं वो जनता से सरोकार रखने वाले बिंदु। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि 6 महीने तक भी आप लोग तमाम मुद्दों को लेकर के घेरते रहे, अब ये आपने समय रखा तो क्या ये आने वाले जो 1-2 दिन हैं इस दौरान भी कोई सड़कों पर आप लोग आक्रामक तेवर में दिखाई देंगे जब अमित शाह उत्तराखंड में मौजूद होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हमारा क्या प्रोग्राम बनता है, हम किस तरह से हमारी रणनीति आगे की रहेगी वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और जहां तक आपने कहा कि इन 6 महीने के दरमियान भी आप बहुत बार सड़कों पर उतरे, तो आप मुझे बताइए कि किसान आत्महत्या कर रहे थे तो क्या हम 6 महीने का इंतजार करते? NH-74 घोटाले का इन्होंने घोटाला करके चिल्लाना शुरू करा और उसके बाद जांच को रोक दिया गया क्योंकि गडकरी जी के कई अफसरों का गिरेबान उसने भेजा, ऐसे कई नेताओं ने गिरेबान उसमें चुप बैठे रहते, लोकायुक्त 100 दिन में देंगे कहा। चले हमारे साथ जी गरिमा जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, गणेश जोशी जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। गणेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। गणेश जी मेरा पहला सवाल यही होगा कि आज कांग्रेस की तरफ से जो हल्ला बोल प्रदेश भर में किया गया खासतौर से पेट्रोल डीजल और सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को लेकर के, आप तमाम मामलों को लेकर के कहेंगे लेकिन ये तो बहुत जमीन से जुड़ी सच्चाई है कि सरकार की तरफ से इस मसले पर कुछ नहीं किया जा रहा है। 80 के ऊपर पेट्रोल पहुंच गया इसी देश के अंदर, मुंबई के कई हिस्सों में 82 तक बिक रहा है, क्या कर रही है सरकार? देखिए, आपने प्रधानमंत्री प्रधान जी का बयान सुना हो जी कि हम इसको जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं जी, और किसी को चीज को थोड़ा सा करने में समय लगता है, निश्चित ही जब जीएसटी के दायरे में आ जाए तो निश्चित ही पेट्रोल पदार्थ के दाम कम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर ये जीएसटी को लागू होने में इतने साल लग गए
तो क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लागू होने पे आप राज्य सरकार साथ लगे हैं? कोई कांग्रेस के वजह से लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो सत्ता में आते ही इसको जीएसटी को लागू किया है और धीरे धीरे इसके परिणाम भी नजर में आ रहे हैं। तीन साल आपको भी लग गए सर, गणेश जी तीन साल आपको भी लग गए तमाम राज्यों को मनाने में। अभी भी जो बीजेपी शासित राज्य, सुन लीजिए, बीजेपी शासित राज्य भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाह रहे हैं। राज्यसभा के अंदर हमारा बहुत नहीं है तो किसी भी काम करने को, लेकिन हमारी मंशा बिल्कुल जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ है क्योंकि हम समान कर व्यवस्था। एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, मेरा एक छोटा सा सवाल है सर आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी रैलियों को संबोधित करते थे, दो बातें मुझे याद हैं आज के विषय को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये बहुत हुआ महंगाई का वार अब की बार मोदी सरकार, दूसरा सरकार में आने के बाद उन्होंने कहा जब पेट्रोल डीजल की कीमतें गिर रही थी कि ये लोग कहते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिर गई है इस वजह से पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है, किस्मत अच्छी है। तो आपको खुशकिस्मत प्रधानमंत्री चाहिए या बदकिस्मत प्रधानमंत्री चाहिए? तो अब तो ये प्रधानमंत्री किस्मत खराब हो गई क्या? देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप देखें जी आज जो विभिन्न योजनाएं जनहित में हम चला रहे हैं जी, आज 2 करोड़ उन गरीब माताओं बहनों को जिनके घर में चूल्हा जलता था, महंगाई पर अगर आप बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर गणेश जी। हाँ तो मैं कहीं ना कहीं से उसी व्यवस्था कम करेंगे। अब एक एक 20 लाख से अधिक लोगों को हम निःशुल्क गैस बांट चुके हैं आप, आज तो उसी आप उस चीज की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? कहीं ना कहीं से अगर मान लिया, जब मैंने आपसे कहा एक दिन ये जीएसटी के बारे में आ जाएगा जी, और जब कांग्रेस के समय, एक जब कांग्रेस के समय मनमोहन सरकार के समय ये बढ़ोतरी हुई थी, तब प्रधानमंत्री का ट्वीट याद कीजिए क्या था। तब सुषमा स्वराज और तमाम लोग की तरफ से जो हंगामा संसद के बाहर किया गया था, जरा उन तस्वीरों को याद कीजिए। आपके तमाम मंत्री साइकिल से पहुंचे थे, बैलगाड़ी से पहुंचे थे, तमाम लोग जो है, तमाम नेता जो है, जो इस समय मंत्री हैं, जरा उन तस्वीरों को याद कीजिए फिर तो। और आज की डेट में आप इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हमने तमाम योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाएं कहाँ से पूरी होंगी? मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस स्थिति में चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी केंद्र के अंदर जी, तो भ्रष्टाचार का क्या आलम था? आज 3 साल के अंदर आप एक आरोप बता दीजिए किसी मंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। 3 साल के अंदर जीडीपी 7.9 से 5.7 हो गए गणेश जी। देखिए इसको कहने में, स्वीकार करने में हमें कोई वो नहीं है कि नोटबंदी के बाद जी और जीएसटी के बाद, लेकिन मैंने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, 6 महीने रखिएगा, आपको इसके दुर्घटना में नजर आएंगे। अभी 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 जीएसटी का असर तो आया नहीं है सर, अभी अप्रैल से जून की जीडीपी के आंकड़े हैं, अभी जीडीपी का असर बारी आना बाकी है, अभी तो जीडीपी और नीचे जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी चीज का परिणाम तुरंत नजर नहीं आता, आप 6 महीने इंतजार कीजिएगा, फिर 6 महीने बाद फिर आप फोटो लीजिएगा, आपको निश्चित ही इसके परिणाम। अभी तो लोगों को हम भी लोगों से मिलते हैं, आज अभी तक लोग जीएसटी को समझ नहीं पाए कि जीएसटी की फॉर्मेलिटीज नहीं समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे लोग उस चीज को समझ रहे हैं और निश्चित ही उसके 6 महीने के अंदर परिणाम सामने आएंगे। तीन साल में जीडीपी 5.7% पहुंच गई, 6 महीने बाद आप कह रहे हैं आपका दोबारा फोन लिया जाए। आप ये बताइए उस समय 2019 के चुनाव अवसर पे होंगे, आप 5 साल में ये कर, 5 साल में क्या उपलब्धि हम माने सरकार की? आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जीडीपी आंकड़ों से लेकर तमाम चीजों को लेकर के जिन चीजों पे आपने कांग्रेस सरकार को घेरा था, वही चीजें तो हो रही हैं, वही तमाम चीजें तो हम देख रहे हैं। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पे जा रही हैं, $30, $32 पर बैरल जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की थी, उस समय आप चाहते तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और कम कर सकते थे, लेकिन 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। और आज जब जनता परेशान है पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा इजाफा हुआ है, तो आप उन बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटियों को कम करने की बजाय कह रहे हैं कि जीएसटी में लाने की कोशिश करेंगे, फिर आप 1.5 साल 2 साल तक जीएसटी में लाने की कोशिश करेंगे।
जो बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी जो 11 बार बढ़ाई है आपने, उसको क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हम इसको जीएसटी के अंदर ले आएंगे ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगी। तो गणेश जी मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, जिस जीएसटी को लागू करने में कोई राज्य इस बात पे सहमत नहीं था कि शराब और पेट्रोल डीजल इन दोनों में जीएसटी को दायरे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि राज्य की अपनी आमदनी जो है इससे प्रभावित होती है, इसमें बीजेपी राज्य भी शामिल है जो कि इस बात का विरोध कर रहे थे, आप कैसे 4 दिन के अंदर या 1 महीने 2 महीने 6 महीने में मना लेंगे कि नहीं ठीक है अभी तो जीएसटी के असर को देखिए, उसके बाद आप जीएसटी के बारे में सोचेंगे कि पेट्रोल डीजल को लाए या ना लाए? कोई राज्य नहीं राजी होगा, और जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को लाना कोई आसान प्रक्रिया तो नहीं है। देखिए प्रक्रिया आसान है या कठिन है, बात यह कि आपकी मंशा क्या है। हम चाहते हैं कि जनता को राहत मिले, और मुद्दार पे आज जो पेट्रोल कंपनियां हैं अपने हिसाब से दामों को वो कर देती है, तो इसलिए उसको जीएसटी के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। और पेट्रोल मंत्री जी ने खुद, मैंने उनका बयान देखा है, आप मंशा की बात कर रहे हैं सर, जिनके घर चल रहे हैं, आपके एक राज्य मंत्री हैं अल्फोंस, वो कहते हैं कि जिनके पास कार और बाइक है वो जो पेट्रोल खरीदते हैं उनके पास कार और बाइक है, वो लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। इस तरह का असंवेदनशील बयान तो आपके मंत्री देते हैं कि क्या ये चाहते हैं कि मिडिल क्लास वाकई में खाने के लिए मरने लगे, ये कह रहे हैं वो। और उसके बाद मंशा की बात आप करें, 700 रुपए का सिलेंडर हो गया, पेट्रोल जो है 80 रुपए हो गया, डीजल 60 रुपए हो गया, और आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पे जाइए। जो आदमी मिडिल क्लास 5-7-10 हजार रुपए में अपना घर चला रहा है वो ये मंशा लेके क्या करेगा? देखिए आप सरकार की जहाँ तक मंशा की बात कर रहे हैं, टमाटर 100 रुपए 80 रुपए किलो हो गया, दाल बीच में इतनी महंगी हो गई, अब ये मिडिल क्लास बहुत परेशान है सर। ऊपर से बैंकों की ऐसी व्यवस्था आपने कर दी है कि आप 3 बार निकालो तो इतना कटेगा, 4 बार निकालो तो इतना कटेगा। आप कहते हैं कैशलेस की तरफ जाना है, अगर पैसे निकालने हैं एटीएम से तो उसके पैसे कट रहे हैं, तो ऐसे में तो आप इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि आदमी की तनख्वाह आए और पहली बार में एक बार में सारे पैसे निकाल लें। पहले अकाउंट में पड़े पैसे रहते थे तो कुछ बढ़ते थे, अब तो अकाउंट में पैसे पड़े पड़े घटने लगे हैं, एसएमएस चार्जेस तमाम चीजों के इतने चार्जेस लगने लगे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो आपकी सरकार की जो लोकप्रियता थी उसको कम कर रही हैं। मिडिल क्लास बहुत परेशान हो रहा है। देखिए आपने जहां तक भी दालों की बात की, अगर दाल 200 रुपए की, दाल 70-80 रुपए में भी आई, आप तो सर जिक्र नहीं किया आपने। मैंने दोनों बातों का जिक्र किया कि ये 3 सालों में, मतलब आपका अगर हम ग्राउंड पर अगर हम 3 सालों को देखें तो हमें क्या मिला? पहले गैस की सब्सिडी को गैस का जीवन खराता था, गैस की सब्सिडी अगर कोई गैस का तो वास्तव उसको नहीं मिलती थी, आज सीधा उसके खाते में सब्सिडी आ रही है, आप इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आपने पहले कहा लोग अपनी सब्सिडी छोड़े, लोगों को लगा अंतर कम है, बहुत लोगों ने देश के लिए अपनी सब्सिडी छोड़ी, अब वो बिना सब्सिडी का सिलेंडर 700 रुपए से ऊपर जा रहा है, ये कैसे मिडिल क्लास कैसे अफोर्ड करेगा? मतलब कुछ तो अंतर होना चाहिए। आप जिस व्यक्ति ने देश के लिए सब्सिडी छोड़ी उसके लिए तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ती जा रही है, जिसके पास सीमित आए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल उनको सड़क पर जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर वैसे ही सबसे ज्यादा टैक्स वो पे करता है, जो नौकरी पेशा इंसान है, गणेश जी एक सेकंड, जो नौकरी पेशा इंसान है सबसे ज्यादा टैक्स वो पे करता है, लेकिन आप लोग उसकी गर्दन को इतना मत दबाइए कि वो बिल्कुल मर ही जाए, क्योंकि अगर मिडिल क्लास को खत्म कर देंगे तो वाकई में इस देश की जीडीपी पे और बुरा असर पड़ेगा। आप एटीएम से पैसे निकालने पे टैक्स ले रहे हैं, आप जो है सब जिसने सब्सिडी छोड़ दी उसको सता रहे हैं जी। चलिए गरिमा जी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा गरिमा जी इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लगातार सवाल उठाते रहे, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप पेट्रोल डीजल को लेकर के प्रदर्शन करती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर भी उठते हैं, क्योंकि पेट्रोल को सब्सिडी डीरेगुलेट करने की कोशिश क्या, ये फैसला पेट्रोल को डीरेगुलेट आपकी सरकार ने किया, तो अब तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से जो है फैसले हो रहे हैं, फिर आप लोग किस बात के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला तो आपकी सरकार का था कि सब्सिडी नहीं रहनी चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखिए विपुल जी, काश आप मुझे भी इतना ही समय दे पाते जितना आपने
विधायक साहब को दिया। उनको इसलिए समय दिया क्योंकि वो सरकार में है और उनका उनको जवाब आप उनकी जवाबी उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम आपका दर्द फूट के आया, ये अच्छा लगा। लेकिन आप बार बार मिडिल क्लास की बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास का व्यक्ति परेशान हो रहा है। अगर मिडिल क्लास का व्यक्ति परेशान हो रहा है तो जरा अंदाजा लगा के देखिए कि लोअर क्लास का क्या हाल होगा, गरीब तबके का, गरीबी से नीचे रेखा वालों का क्या होगा। आप खुद सोच के देखिए कि वो तो मर रहा है, मिडिल क्लास तो सिर्फ परेशान हो रहा है, लोअर क्लास तो मर रहा है, तो उसकी तो किसी को चिंता ही नहीं है, उसकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है कि वो कैसे बेचारा, एक आलू प्याज खाने वाला व्यक्ति वो कैसे खाए, दाल खाने वाला, वो मुर्ग मुसल्लम की बात नहीं कर रहा है, उसको दाल अवेलेबल नहीं है आज की डेट में कि वो दाल खा पाए। नहीं नहीं, आप गरीब लोगों की बात करी, मैंने उनका जिक्र गरिमा जी इसलिए नहीं किया, उनका जिक्र इसलिए नहीं किया कि सरकार की, चाहे वो आपकी सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की अब मौजूदा सरकार हो, आप दोनों लोग पार्टियों की तरफ से तमाम योजनाएं ऐसी चलाई जाती हैं कि सस्ता अनाज जो है उन लोगों को तक मुहैया कराया जाए। सरकार की तरफ से तो दिया जाता है, बहुत सारे लोग मिडिल मैन होते हैं, वो एक प्रक्रिया है, वो किसी की भी सरकार में पता नहीं कितना पहुंच पाता है आखिरी आदमी तक, वो एक सवाल है, लेकिन ये कोशिश रहती है कि उनको कम से कम कीमत पर जो है दाल चावल जैसी चीज़ें, दाल तो नहीं, चावल और गेहूं जैसी चीज़ें मुहैया कराई जा सकें। लेकिन मध्यम वर्ग जो टैक्स पे कर रहा है वो तो ना तो अपर क्लास का फायदा उठा पा रहा है ना लोअर क्लास का फायदा उठा पा रहा है। लोअर क्लास को आप सब्सिडी दे रहे हैं और जो अपर क्लास है उसमें उनको जो है आप NPA के बहाने या तमाम चीजों के बहाने उनके लोन को, उनके कर्ज को राइट ऑफ करके उनको फायदा दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बर्डन तो आपने मिडिल क्लास पे डाला हुआ है सरकारों ने। गरिमा जी अपनी बात कंप्लीट की। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी बात वाकई है, लेकिन अब आप लोअर क्लास से पूछ के देखते हैं कि वो कैसे जीवन अपना यापन कर रहा है। आप देखिए, हमारा मुद्दा वही था, आपका चार पांच बिंदु लेके हम बैठे थे, उनसे एक बिंदु ये भी था कि कांग्रेस पार्टी के समय पर 5 रुपए किलो गेहूं और 9 रुपए किलो चावल मिल रहा था। इन्होंने 5 रुपए किलो गेहूं को 8.5 रुपए किलो गेहूं कर दिया और 9 रुपया चावल को सीधे 15 रुपया किलो कर दिया और चीनी तो गायब ही कर दी, मात्रा में कटौती कर दी। तो यानी कि चौतरफा मार इन्होंने जो है वो BPL परिवारों पर इनकी पड़ी है। आपने जहाँ तक पेट्रोल डीजल की बात की मेरी सुनिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा जो GST का सपना था, मैं GST नहीं सब्सिडी की बात कर रहा हूँ मैम, डीरेगुलेट करने की बात पेट्रोल डीजल को, आपकी सरकार ने पेट्रोल को किया, इन्होंने डीजल को किया, डीरेगुलेशन तो आपकी तरफ से शुरू हुआ था ना, तो फिर आप हल्ला किस बात के लिए आपका? समय की थोड़ी कमी है इसलिए। जो GST का सपना परिकल्पना हमने की थी, जिसको मोदी जी और उनकी पार्टी लगातार GST का विरोध कर रहे थे, पेट्रोल और डीजल राज्यों ने किया मैम। देखिए गरिमा जी, जो कांग्रेस की सरकार, इतना तो हम लोग भी जानते हैं, चाहे कांग्रेस हो या BJP, राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल और शराब, इन दो विषयों को अपने अधिकार से जाने नहीं देना चाहती थी। वो आपने केंद्र में कोई फैसला लिया होगा, लेकिन आपकी राज्य सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि जो एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है पेट्रोल डीजल या अल्कोहल, ये दोनों चीजें जो है वो राज्य के हाथ से जाए। सुनाइए, आप दोबारा कर लीजिए, ये कई जगह पर आपको मिल जाएगा कि जो हमारी GST की परिकल्पना थी उसमें पेट्रोल डीजल GST के अंदर खाए नहीं था। और मैं दावे के साथ, मैं हिंदुस्तान के साथ आपके चैनल पर कह रही हूँ कि मैंने इस पर रिसर्च किए, इसलिए कह रही हूँ कि ऊपरी बयान नहीं है, हवाई बयान नहीं है, हमारा GST पेट्रोल डीजल को ये गरिमा जी मान नहीं सकते, समय चूंकि समाप्त हो गया है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मैं चाहूंगा 10 सेकंड में। गणेश जी, ये जो मौजूदा महंगाई है इससे निजात दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या जो एक्साइज ड्यूटी 11 बार आप लोगों ने बढ़ाई है उसमें कटौती करेंगे? गणेश जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका, गणेश जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी हैरान है, परेशान है, विपक्ष लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है, सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने आज क्या कुछ कहा गया आज के हल्ला बोल पर, वो जरा सुनते हैं।
कर ही नहीं चाहते कि एनएचएआई के अफसर पकड़े गए, जबकि एनएचएआई के अफसरों के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए, संदिग्ध धर्म का चल रहा है, इसलिए सीबीआई जांच नहीं करा पाएंगे। एक बहुत बड़ा घोटाला छात्रवृत्ति का निकला था, करोड़ों का छात्रवृत्ति के घोटाले को भी न एसआईटी से और न किसी से भी पता लगा पाए, न कोई मदद मिली। आज एससी अनुसूचित जाति का खाना खाएंगे, अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। हमारे पास रोज मिलते हैं जो लोकल के बच्चे, और हमने भी इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल्स वगैरह से बात की, वो खुद परेशान है। काम करने वाला, नौकरी पाने वाला, रोजगार करने वाला, छोटा या बड़ा, सब परेशान है। आप देख रहे इतने सपने दिखाए कि कुछ भी उसमें से सच नहीं हुआ। हमने उन्हें संदेश दे दिया, क्या कर महंगाई के लिए तो वो भी जिम्मेदार है जो आ रहे हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस के नेताओं का जो 6 महीने इंतजार किया इन्होंने, वरना देश की और प्रदेश की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। ये आप आज देख रहे होंगे कि जो लोगों के दिलों से गुबार निकल रहा है, जो लोगों के दिलों में जो छुपी हुई बातें थी, क्योंकि महंगाई, प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक कल्याण की जो योजनाएँ थी वो कहीं पर लागू ना होना, विकास कार्यों का ठप पड़ जाना, ठप तो क्या कहना, मैं उल्टा ये कहूंगा कि उल्टी दिशा में विकास हो रहा है। पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि आपने जनता को छला है, जनता को छल कर आपने डबल इंजन की सरकार ली है, तो इसीलिए जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप कब तक इन महंगाई को कम करेंगे और कब तक युवाओं को रोजगार देंगे। और युवाओं को रोजगार नहीं देने की वजह से आज हमारा युवा डिप्रेशन के आगोश में है और डिप्रेशन से वो आत्महत्याएं कर रहा है। दाल रोटी, हम मुर्गा मसल्लम की बात नहीं करते, दाल रोटी खाने लायक तो हमको कम से कम छोड़ दीजिए मोदी जी। आपके समय पर टमाटर 100 रुपया किलो हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इस समय सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए महंगाई है। उसके बाद जिस तरह से हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है वो बहुत चिंतनीय है, जवान बॉर्डर पे मर रहा है। चलिए अब जरा इस पूरे मसले पर जिस तरीके से हल्ला बोला गया, सरकार के नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं आज के हल्ला बोल पर, वो सुनते हैं और उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा, अमित का आगमन, देवभूमि, दौरा और दंगल। इसके सरकार ने लोगों को राहत देने का काम नहीं किया, हमेशा गरीबी हटाओ के नाम पर किनारे पर सरकार बनाती रही। वो आज हमसे सवाल पूछ रही है, वो आज धरना दे रही है, तो कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस की जो ये दुर्दशा हो रही है लगातार, उस दुर्दशा में मंथन करें और स्वयं अपने यहाँ धरना दे, पहले अपने यहाँ की कमियों को दूर करें। देश में हो रहे, उत्तराखंड में हो रही विकास की तेज गति दिखाई नहीं देती। महंगाई का जहाँ तक सवाल है तो निश्चित तौर पर इसमें काम हो रहा है और चीज़ों के दाम गिर रहे हैं और जो इन्फ्लेशन रेट है वो पीछे आ रहा है, लेकिन कांग्रेस चूंकि एक कहने के लिए कहना है, विरोध के लिए विरोध करना है, तो इस नाते से वो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रही है। हमारा उनसे कहना ये है कि सकारात्मक पक्ष की भूमिका निभाएं और जो विकास कार्य हैं उसमें उनका सहयोग होना चाहिए, ना कि नकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। उनको मालूम है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं। इसकी सस्ती राजनीति और होची राजनीति करने के लिए स्वागत है आपका। बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की, अमित का आगमन, देवभूमि, दौरा और दंगल। चलिए अब बात
इसी दिलचस्प मुद्दे की करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही घंटों बाद बीजेपी के बिग बॉस अमित शाह 2 दिन के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं, लिहाजा हमने सोचा कि शाह साहब के आने के कुछ घंटों पहले आपको बीजेपी की उस तैयारी की तस्वीर दिखाई जाए जिस पर भाजपा ने उनके स्वागत के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। अगर आप भी तस्वीरें देखेंगे तो आप भी सोचने लगेंगे कि आखिर इतना तामझाम क्यों। खैर, वैसे ये भाजपा के घर का मामला है, मगर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि शाह का ये 2 दिन का दौरा क्या इतना आसान रहने वाला है? वैसे लगता तो नहीं है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, मगर ये जान लीजिए कि 2 दिन यानी पर्दे के पीछे से बहुत कुछ बाहर आ सकता है अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो। इस विषय पर विस्तार से बातचीत शुरू करें, मगर उससे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यकीनन आज की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। राज्य की राजधानी को पूरी तरीके से भंगवा रंग में रंग दिया गया है। देखिए किस तरीके से दून के अंदर लगातार पूरे रास्ते भर में आप कहीं भी जाएंगे, आपको ये तमाम बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, ये तमाम झंडे, ये देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी फ्लैक्सी, बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। ये पूरे के पूरे उत्तराखंड को इसी तरीके से पाट दिया गया है और बेतहाशा पैसे भी खर्च किए गए हैं। सवाल इसको लेकर के भी उठ रहा है कि आखिर में 2 दिन के लिए इस तरीके से क्या इन पैसों का कोई और इस्तेमाल हो सकता था क्या, ये भी सवाल उठ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर आपको बता दें कि किस तरीके से जो है पूरे उत्तराखंड को भगवा रंग में, खासतौर से दून और एयरपोर्ट से लेकर के करीब 25 किलोमीटर तक, आपको बता दें कि बाकायदा जो है इसी तरीके से झंडे, इसी तरीके से बैनर, पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, फ्लैक्सी, ये तमाम चीज़ें लगाई गई हैं। और इस तरह का स्वागत शायद प्रधानमंत्री के आने पर भी शायद किया गया था या नहीं, ये भी सवाल है। लेकिन पहली बार चूंकि अमित शाह पहुंच रहे हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से जो है साजो सज्जा जिस तरीके से की गई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करने के बाद आपको जरा हम आपका आज की रिपोर्ट भी दिखाते हैं, लेकिन जरा हरीश से जान लेते हैं क्या स्थिति वहां पर है। हरीश, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, वो कई सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं कि आखिर में इस तरह के तामझाम, इस तरह के भव्य स्वागत की आवश्यकता क्या है? क्या तमाम मुद्दों को दबाने के लिए इस तरीके का तामझाम बनाया गया है कि लोग सब तमाम चीज़ें भूल जाएं और सिर्फ चर्चा सिर्फ उनके स्वागत की हो? बिल्कुल, बीजेपी कार्यालय से लेकर के खास तौर से कल 9:30 बजे जब अमित शाह पहुंचेंगे ग्वालियर में, वहां से लेकर के अमित शाह जो तैयारियां हैं और ग्वालियर से लेकर के जो मधुबन होटल है वहां तक पूरी तरह से सड़क है पूरी तरह से सजाई गई है और बैनर लगे हैं और झंडे लगाए गए हैं, तो तमाम चीजें यहाँ पर की गई है। और विशेष बात यह है कि अमित शाह को 6 जगहों पर जो उनके कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत करेंगे और साथ ही साथ पूरे शहर को लेकर के अगर बात करें काफी तरह से सजाया गया है, झंडे बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात सोचने वाली है कि इस तरह से आप सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जरूरत थी इतना भव्य स्वागत करने की, लेकिन इनका जो बीजेपी का जो मानना है, बीजेपी का कहना है कि उनके जो बड़े वहां पे आ रहे हैं, बड़े रेस में आ रहे हैं, तो इसको लेकर के वो काफी खुश हैं और अपने उनका मानना है कि घर में जिस तरह के बड़े आते हैं तो उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की जाती हैं, तो इसी प्रकार की तैयारी इसे कह रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी उठती है कि उससे पहले जो सड़क में जो गड्ढे बने हुए थे देहरादून के आसपास, हम सड़कों की बात करें तमाम, कई बार इस तरह के जो मुद्दे सामने आए हैं, कई बार लोगों ने ज्ञापन दिया है, लोगों ने शिकायत की है सरकार से कि जो सड़कें हैं वो दुरुस्त नहीं है
तमाम जगहों पर गड्ढे बने हुए उनको भरने की बात की थी, लेकिन तब सरकार नहीं देती थी। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे अमित शाह पहुंच रहे हैं, उनको लेकर के पूरे जो गड्ढे हैं वो खड़े किए गए हैं और साथ ही साथ जो सड़क है उसे दुरुस्त की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हरीश, तमाम जानकारी देने के लिए, इस पूरी अपडेट के लिए। अब जरा अपने दर्शकों के लिए हम खास रिपोर्ट लेकर के आए हैं, वो रिपोर्ट आप भी देखिए और उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के स्वागत को लेकर प्रदेश भाजपा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वागत समारोह को भव्य बनाने के लिए एयरपोर्ट से लेकर लगभग 25 किलोमीटर दूर देहरादून के सर्वे स्टेडियम तक 700 द्वार बनाए गए हैं। इसके साथ ही मार्गों पर जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के 1000 से ज्यादा कटआउट लगाए गए हैं। शाह के 2 दिवसीय दौरे के दौरान उनके कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले मार्गों पर पड़ने वाले हर चौराहों पर 20 फुट के गोल पाइप भी लगाए जा रहे हैं, जबकि पोस्टर और बैनर विधायक तथा पदाधिकारी अपने स्तर से लगा रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 19 और 20 सितंबर को देहरादून दौरे पर हैं। इन 2 दिनों में वे 21 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इनमें सांसद, सरकार और मंत्रियों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठकें शामिल हैं। शाह के इस दौरे को भव्य बनाने के लिए प्रदेश भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उनके पूरे यात्रा मार्ग को झंडे, पोस्टर और बैनरों से पाटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। स्थानीय विधायक व पदाधिकारी स्वागत समारोह और कार्यक्रमों की तैयारियों के जरिए अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है। यही कारण है कि पार्टी की ओर से उपलब्ध साज सज्जा के सामान के अलावा अपने स्तर से भी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। स्वागत स्थलों पर अधिक से अधिक समर्थकों को भी लाने की तैयारी चल रही है। शाह के जत्थे के आगे 50 बुलेट सवार इस जुलूस की शोभा बढ़ाएंगे। यकीनन जिस तरह से शाह के दौरे को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के सूबाई दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पूरी राजधानी को भगवा रंग में रंग दिया, इससे तो यही लगता है कि बीजेपी की ओर से पूरा तामझाम लगाया गया है। वैसे सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यही कि इतना तामझाम तो शायद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आगमन के मौके पर भी नहीं होता। सवाल ये भी कि क्या घर में मचे कलेश की आवाजें कहीं शाह को सुनाई ना दे जाए, लिहाजा इसलिए भी इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर शाह के दौरे को लेकर जिस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, उस पैसे का कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता था। देहरादून से हरीश खनेड़ा के साथ कैमरामैन राजन बड़ोला और सुमित डबराल, जैन टीवी, देहरादून। चलिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा जो तमाम सवाल हैं वो हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर ले आएं। सवाल नंबर एक ये कि अमित शाह के आने की तैयारियों पर इतना पानी की तरह पैसा क्यों बहाया जा रहा है। सवाल नंबर दो ये कि भगवा रंग में रंगी राजधानी से आखिर में संदेश भारतीय जनता पार्टी देना क्या चाहती है। सवाल नंबर तीसरा ये कि 80,000 कर्मचारियों के जो प्रदर्शन होने वाले हैं उससे कहीं भारतीय जनता पार्टी के तामझाम की पोल तो नहीं कहीं खुल जाएगी। अगला सवाल और आखिरी सवाल ये कि बीजेपी में बवाल की खबरें क्या शाह तक नहीं पहुंचने देना चाह रही है भाजपा, इसी वजह से इस तरह का तामझाम रखा गया है कि बाकी विषयों पर बातचीत ही ना हो। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा सवाल आपसे, पहला सवाल यही होगा सुरेश जी कि क्या जिस तरीके से इतना पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, इतना तामझाम रखा जा रहा है, ये इसके पीछे उद्देश्य कहीं ये तो नहीं कि जो कुछ पार्टी के अंदर हरिद्वार से लेके खानपुर और रुड़की में हो रहा है उन तमाम चीजों की भनक ना लगे, सिर्फ तामझाम में ही उलझ कर रह जाए अमित शाह? नहीं बिपुल जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं जी कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी, और इस पार्टी के 1000, 2000, 10,000, 20,000 में लाखों कार्यकर्ता इस प्रदेश में है।
और ये भी स्वाभाविक है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और उत्तराखंड में इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के दरमियान भी कई स्थानों पर जो है कि अधिकांश स्थानों पर मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से कार्यक्रम लगे थे, उनकी रैलियां हुई थी, जनता में एक बहुत बड़ा उत्साह अमित शाह जी को लेकर के था जी। अब वो सरकार बनने के बाद पहली बार अगर उत्तराखंड में आ रहे हैं, निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि भाई कार्यकर्ताओं में एक उल्लास है, एक खुशी का माहौल है और खुशी को कहीं न कहीं झंडे के रूप में, बैनर के रूप में या एक उल्लास के रूप में मनाने का एक प्रयास है और इसको इस रूप में कदापि नहीं लेना चाहिए कि हम कोई कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में कहीं किसी से पैसा ले रहे हैं या कुछ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं जो अन्य दल के लोग किया करते हैं, ये ना हमारी परंपरा है और न इस परंपरा का हम लोग निर्वहन करते हैं। ये इस मतलब खुशी के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर, उनके स्वागत पर एक स्वैच्छिक जो कार्यकर्ताओं के मन में एक स्फूर्ति है वो उसका प्रदर्शन जो है कि आपको दिख रहा है। इसलिए ये भी निश्चित तौर पर है कि भाई जो हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं उनके अंदर एक बौखलाहट है, घबराहट है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई उत्तराखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का दौरा है और उस पर जिस तरह से उमंग और उत्साह कार्यकर्ताओं में, क्योंकि आज कांग्रेस का पूरे प्रदेश में कुछ कार्यक्रम थे तो 200-400 लोग एकत्रित करने उनके लिए मुश्किल हो गए थे, तो अब वो उस बात को जो है कि कहीं ना कहीं इस रूप में भी वो कहना चाहते हैं कि साहब बीजेपी ऐसा कर रही, बीजेपी वैसा कर रही, लेकिन वास्तविकता क्या है कि कार्यकर्ताओं की जो मनस्थिति है और कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उत्साह है, वो सिर्फ इस बात को इतना आप कह सकते हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अब तमाम स्वागत किया जा रहा है, लेकिन इन स्वागत के बीच में एक तरफ किसान हैं जिनका आंदोलन चल रहा है, एक तरफ 80,000 कर्मचारी हैं जो सड़कों पे उस दिन उतरेंगे, आज कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल किया गया, महंगाई की एक बड़ी समस्या हो गई है, पेट्रोल 80 रुपये जो है 80 रुपये तक पहुँच गया है मुंबई के अंदर और तमाम जगहों पर, तो ये जो तमाम सवाल हैं, ये सवाल वाकई में सरकार के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? जनता में लगातार जो भरोसा बन रहा था, जो उम्मीदों पर सरकार आई थी, वो चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में, लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह सकता लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्यों से और जो एक जवाबदेही सरकारों ने ले रखी है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उससे न बचना चाहती है न हटना चाहती है, उसका सॉल्यूशन निकालती है पार्टी। वो आज ऐसी सरकार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर है कि जो जनता के हर विषय का सोल्यूशन निकालती है और उसका निराकरण करके उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करती है। आज जो कांग्रेस के मित्र हम पर आरोप लगा रहे हैं महंगाई वाले विषय पे कि तेल की कीमतों का जहां तक सवाल है, देखो तेल की कीमतों का तो डेली पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि प्रतिदिन तेल की कीमतें तय होती हैं, और जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी बोला था, धर्मेंद्र जी ने, उन्होंने कहा था कि भाई कुछ रिफाइनरी जो वर्षों से यहाँ पर रिफाइनरी लगी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, हमारे साथ सुरेश जोशी जी बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, मेरा सवाल ब्रेक से पहले जो था मैं उसी को चाहूँगा उसका जवाब आप दें कि जो तमाम मुद्दे हैं, खासतौर से चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या पार्टी के अंदर जो इस समय बार बार कई बार सड़कों पर भी किस तरीके से स्थितियाँ दिखाई दी हैं, गुटबाजी से लेकर के तमाम चीज़ों की बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लेंगे अमित शाह? नहीं, पहली बात तो मैं बताऊँ कि जो हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है या पार्टी के अंदर झगड़ा है या पार्टी के अंदर कोई कलेश है, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है, क्योंकि सब लोग मिलजुल करके अपने काम को कर रहे हैं, जिस काम को जिसको दिया गया है उस काम का वो निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बने हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, मंत्री लोग अपने मंत्रिमंडल पर काम कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी अपना संगठनात्मक काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं।
तो इसलिए मुझे किसी दूर दूर तक ऐसा लगता नहीं कि भाई कहीं पार्टी के अंदर इस तरह की कोई दिक्कतें हैं, ये कहीं भी नहीं है। और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड का दौरा है, बेसिकली उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड के प्रति पहले से एक भावनात्मक लगाव भी इस प्रदेश से है, चाहे आदरणीय मोदी जी का हो, चाहे अमित शाह जी का हो, चाहे अन्य जो हमारे सीनियर लीडर्स राजनाथ जी हैं या डॉक्टर जोशी आडवाणी जी, पहले से रहा है और उसी के फलस्वरूप हमने राज्य का निर्माण भी किया था। आज बेसिकली राज्य में सरकार बनने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला दौरा है, इस दौरे को मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता के विकास के लिए निछावर एक तरफ से मैं दौरा कह सकता हूँ। इसमें जो संपूर्ण जो हम लोगों की वार्ता होगी, इसमें उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे हो और जो हमने जनता के बीच में जिस बात को बोला है उस बात को हम इंप्लीमेंट कैसे करें, हम सब लोग मिल करके, चाहे संगठन के रूप में काम करने वाले लोग हों, चाहे सरकार के रूप में काम करने वाले लोग हों, सब एकजुट होकर के हमको जो है कि जो हमने कहा है उसको करना भी है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की जो हमारा एक नारा है देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का, उसको धरातल पर लाना है। क्योंकि अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा भी गंगोत्री से शुरू होती है, हमारा स्वच्छता का मिशन है, और दूसरा अगर हम आध्यात्म की बात करें, हम योग की बात करें, वो भी कहीं कहीं उसकी भी शिक्षा उत्तराखंड से होती है। तो यानी उत्तराखंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, तो उस महत्वपूर्ण राज्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है, तो निश्चित तौर पर वो एक मैसेजिंग है, उसका मैसेज हमने देना पूरे देश के अंदर, अभी हमने जो कहा है उसको करेंगे। जी आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि इतने जो खर्चे किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं, कि ये पूरा मामला शांतिपूर्वक भी तो हो सकता था। नहीं, मैंने जैसे आपके प्रश्न का जो शुरू में मैंने उत्तर दिया था जी, कांग्रेस बेस पार्टी आपकी, कोई हमने सरकारी कोई खर्चा नहीं किया, इस खर्चे को हमने कहीं से एकत्रित नहीं किया है, कार्यकर्ता का अपना जो जेब का पैसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, अपना पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, फिलहाल अब देखते ही हैं कि अब अमित शाह पहुंचेंगे तो क्या कुछ होता है, वाकई में किसी क्लास लगेगी, या इन तमाम ताम झाम के बीच जो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, किसानों की कर्ज माफी, और अब जिस तरीके से पार्टी के अंदर गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, इन विषयों पर कोई फैसला होता है या इन तमाम ताम झाम में ये तमाम मुद्दे गौण हो जाएंगे, छिप जाएंगे। चलते चलते आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान के साथ आपको छोड़ जाते हैं। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, आप देखते रहिए जैन टीवी, नमस्कार। और जब अमित शाह जी कल आ रहे हैं, राज्य सरकार ने गरीब की थाली से खाद्यान्न भी छीनने का काम किया है और गरीब की पेट लात मारने का काम किया है, और आज एक गरीब को ढूंढ रहे हैं कि जिस गरीब के घर में अमित शाह जी जो है भोजन करने का काम करें, एक और गरीब को मारने का काम केंद्र की सरकार और राज्य सरकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनके घर जाकर भोजन की बात सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, पूरी तरीके से विफल है।